नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर शहर से अतिक्रमण को हटाने के लिए जोरों पर है काम। शहर में कुछ जगहों पर अतिक्रमण हटाने के लिए पिक एंड चूज किए जाने से जिला प्रशासन के कार्यवाही पर लग रहे प्रश्न चिन्ह। वहीं बस अड्डे के सामने खोखा धारकों के अतिक्रमण को हटाने में भी अभी तक जिला प्रशासन रहा नाकाम। हमीरपुर स्थित हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर पिछले 7 दिनों से जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के दर्जनों अभ्यर्थी बैठे अनशन पर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अभ्यर्थियों के मामले को प्रमुखता से सरकार के समक्ष रखकर हल करवाएंगे, कहा कांग्रेस के सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने। छह दिसंबर से शुरू हो रहे 2 दिवसीय राज्य स्तरीय हमीर उत्सव के शुभारंभ अवसर पर हमीरपुर में करोड़ों के होंगे शिलान्यास और उद्घाटन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे नव निर्मित भवनों के उद्घाटन। ज्वालाजी में वृद्ध महिला के एटीएम से 87,000 रूपए निकालकर एक व्यक्ति हुआ रफू चक्कर। महिला ने ज्वालाजी थाने में करवाई शिकायत दर्ज। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही कर दी शुरू।